सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉगर। आज मेरे हाथ में एक अमेजिंग प्रोडक्ट की चाबी है जिसमें लॉक अनलॉकर आपको बूट के लिए मिल जाता है और MG की गाड़ी है और मेरे सामने खड़ी है MG हेक्टर और ये हेक्टर प्लस है और शेवी प्रो है जिसके अंदर आपको 7 सीटर प्रॉपर मिल जाएगा। और क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है, क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसकी फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो बीच में जो है हेक्टर अपडेट हो गई थी और हेक्टर प्लस अपडेट हो गई थी जिसकी वजह से एक अच्छा खासा आपको एक ब्रॉड इसके अंदर ग्रिल मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं फ्लोटिंग टाइप इंडिकेटर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ये DRLs के फॉर्म में भी जो है ये ग्लो करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन की तो 2 प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। नीचे आपको जो है MG का एक फॉग लैंप पे यहाँ आपको जो है प्रॉपर एक बैज मिल जाता है MG का। यहाँ आपको प्रॉपर नीचे आपको LED बेस्ड आपको जो है लाइटें मिल जाती है। पूरा ही सेक्शन आपको LED बेस्ड मिलता है। सेंसर्स मिल जाते हैं, क्रोम की फिनिश मिल जाएगी, एक बड़ी सी ग्रिल आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं MG का लोगो, यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है। एडवांस लेवल 2 के लिए रेडार आपको मिल जाएगा। नीचे आपको प्रॉपर क्रोम का सेटअप मिल जाता है। कुछ इस तरीके का प्रॉपर आपको व्हीकल ये मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके व्हील्स की तो कुछ इस तरीके का व्हील मिल जाएगा। 21555R18 inches का सेक्शन मिल जाता है, डुअल टोन में आपको मिल जाएगा और 4 डिस्क आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाते हैं। ORVM की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। और अगर आप देखते हैं इसके अंदर कैमरा वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएगा और इंडिकेटर्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। यहाँ भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा और ड्राइवर साइड भी आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। मोरिस गैरेज का आपको प्रॉपर सेटअप मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं साइड पोर्शन की तो आपको क्वार्टर पैनल काफ़ी बड़ा सा इसके अंदर मिल जाएगा। रूफ रेल्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, पैनारोमिक सनरूफ आपको प्रॉपर मिल जाएगी और पीछे भी डिस्क आपको प्रॉपर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके पीछे वाले पोर्शन की तो यहाँ आपको जो है कुछ इस तरीके का पूरा ही रेयर ग्लास मिल जाता है, वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और कुछ इस तरीके का प्रॉपर आपको जो है लाइट्स का सेटअप इधर मिल जाएगा। एडास का बैज मिल जाता है, हेक्टर प्लस आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ कुछ कैमरे का सेटअप मिल जाएगा, MG का प्रॉपर बैज मिल जाता है, फुल्ली कनेक्टेड लाइटें इधर मिल जाती है, बीच वाली भी जो लाइट है ग्लो करेगी और कुछ इस तरीके का पूरा ही जो है बम्पर का सेटअप आपको मिल जाता है, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है देखने में। यहाँ भी आपको जो है कुछ जो है लाइटों और रिफ्लेक्टर का सेटअप मिल जाता है, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाएगा, सेंसर्स मिल जाते हैं, क्रोम का एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा और कुछ इस तरीके की चीज़ें इधर मिल जाती है जो देखने में काफ़ी कमाल की लगती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पेट्रोल वेरिएंट है, CVT के साथ आपको प्रॉपर मिल जाएगा और डुअल टोन में नहीं है, ये आपको सिंगल टोन में ही मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ज़रूरतमंद जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ, एडास लेवल 2 और एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है, एक बड़ा सा प्रॉपर एक 7 सीटर प्रोडक्ट मिल जाता है और सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाती है। तो एक बार इंटीरियर में चलेंगे, उससे पहले इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो 4699 mm की इसके अंदर जो है लेंथ मिल जाती है। वहीं अगर आप इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 1835 mm की इसके अंदर विड्थ मिल जाती है। वहीं अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1760 mm की इसके अंदर हाइट मिल जाती है। अब एक बार इसके डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं तो फ्रंट डोर में आपको क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डोर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा, फुल्ली सॉफ्ट टच यहाँ आपको मिल जाएगा। पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक और ये ऑटो डाउन ऑटो ऑफ फंक्शन के साथ आपको प्रॉपर मिल जाएगा। कुछ स्पेस यहाँ, स्पीकर का सेटअप यहाँ मिल जाएगा, ट्यूटर वगैरह आपको सेटअप मिल जाते हैं, डोर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी वेंटिलेटेड सीट वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी, सीट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनका जो है थाई सपोर्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे जो है इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। जैसे कि हाइट वगैरह एडजस्ट हो रही है और हाइट जो है कम ज़्यादा भी हो रही है तो अच्छी तरीके से जो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी 2 पेडल्स इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, डेड पेडल भी मिल जाएगा, बोनट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्लूइड ओपन कर सकते हैं, यहाँ कुछ स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं जी इंटीरियर में। आ चुका हूँ जी इंटीरियर में और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं कि चीज़ें क्या क्या इसके अंदर मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हैं तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है और क्रूज कंट्रोल, एडास लेवल के सारे जो है कंट्रोल्स यहाँ आपको मिल जाते हैं। यहाँ आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं और एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग की बात करते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक वाइपर्स अगर आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, यहाँ ऑटोमेटिक लाइट्स अगर आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। वहीं अगर हम इस साइड की पोर्शन की बात करते हैं
करते हैं तो यहाँ आपको जो है ORVM फोल्ड अनफोल्ड के यहाँ जो है आपको बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर लेफ्ट राइट यहाँ से चूज कर सकते हैं और लाइट लेवलर यहाँ मिल जाता है। बाकी अगर आप यहाँ देखते हैं कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से बूट आप ओपन कर सकते हैं। इन्फिनिटी JBL का स्पीकर इसके अंदर आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। ऊपर का जो पूरे ही पोर्शन है आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, बोनट फुल इसका जो है नजर आता है, जो कि काफी कमाल की चीज हो जाती है। बाकी अगर आप देखते हैं CVT ट्रांसमिशन इसके अंदर प्रॉपर मिल जाता है और एक पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट इसके अंदर मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीटें इसके अंदर प्रॉपर मिल जाती है और प्रॉपर जो एक वुडन फिनिश है काफ़ी इसके अंदर आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छी लग रही है। प्रॉपर एक शाइनी इसके अंदर आपको जो है मेटल इसके अंदर यूज़ किया हुआ मिलता है। पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो ब्रेक वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी पार्किंग के लिए मिल जाता है फ्रंट साइड के और ये रियर का आपको जो है AC के लिए मिल जाता है, बेसिकली जो फैन के लिए मिल जाता है। और ये कुछ आपको जो है चीज़ें इधर मिल जाती है, पूरा ही कवर हो जाता है। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको जो है सिल्वर की प्रॉपर टचिंग इधर मिल जाती है, दो कप होल्डर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ आपको जो है कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग के लिए। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ के लिए आपको जो है एक USB सॉकेट मिल जाता है अलग से ही। यहाँ अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है और डिस्प्ले के अंदर आपको जो है प्रॉपर इनबिल्ड मैप मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ें हो जाती है। और फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली एक प्रॉपर टैब ही आपको मिल जाता है और इसके अंदर आपको प्रॉपर आपको दुनिया दिख जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपको दुनिया देखनी हो जूम आउट अगर आप कर दोगे ना तो कुछ इस तरीके से आप जो है दुनिया देख सकते हो। इसके अंदर जो डला हुआ है मैप माई इंडिया है ना, तो काफ़ी एक अच्छा खासा जो है पूरे ही आपको चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ के साइड आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि रेडियो, BT फोन सेटिंग्स और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 360 कैमरा मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और काफ़ी एक अच्छा आपको जो है कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी एक प्रॉपर जो व्यूइंग एंगल है काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। 2D वगैरह में भी आप देख सकते हैं, 3D वगैरह में भी देख सकते हैं। इसका जो है आप कैमरे की जो साइड वगैरह है वो चेक कर सकते हैं, आगे पीछे जो है आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर नॉर्मल एक व्यू आपको आगे का मिल जाता है, एक आपको एक वाइड एंगल मिलता है, तो आगे वाले कैमरे जो हैं शिफ्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपको मिलता है, इसका ये वाइड मिलता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आप जो है सेट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का आपको जो है कैमरा मिलता है। अगर आप वाइट गाड़ी ले रहे हैं तो वाइट प्रॉपर मिलता है, सनरूफ वगैरह आपको प्रॉपर दिखेगा भी बकायदा। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाती है, जैसे थीम स्टोर वगैरह मिल जाता है, तो नेट वगैरह से चलता है ज़्यादातर और काफ़ी एक अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही चल जाएगा वायरलेसली, जिसका एक अच्छा खासा यूज़ इसके अंदर आप जो है कर सकते हैं। और व्हीकल सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग में जैसे कि अगर आप देखते हैं तो चीज़ें आप यहाँ से चेक वगैरह कर सकते हैं। सनरूफ वगैरह आप ओपन यहीं से ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सनरूफ ओपन कर दिए तो ये सनरूफ इसकी ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से अगर इसको बंद करूँगा तो ये प्रॉपर बंद भी हो जाएगी, अब ये बंद हो रही है सनरूफ। तो ये कुछ इस तरीके के फीचर्स मिल जाते हैं। अब जैसे कि लैंप अगर आप देखते हैं तो लैंप कंट्रोल्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, अभी लाइट बिल्कुल ही ऑफ हो गई है और मैं इसको जो है 30 सेकंड पे कर दूंगा। 30 सेकंड पे जो है फॉलो मी जो हेडलैम्प्स जो होते हैं, जब भी आप गाड़ी लॉक करेंगे तो 30 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। बाकी अगर आप देखते हैं एम्बिएंट लाइट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कूल ब्लू वगैरह आप इसका कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं, तो कलर के अकॉर्डिंग। और अगर आप देखते हैं विंडो तो यहाँ से आप जो है शेड वगैरह डाउन कर सकते हैं अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी अच्छा खासा फीचर आपको मिल जाता है। और पावर विंडो डाउन बाय रिमोट की, बेसिकली इसके अंदर जो रिमोट है उससे आप जो है शीशे डाउन कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आप जो गाड़ी वगैरह आप लॉक कर सकते हैं, चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ से जो है सेटिंग वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाती है। तो काफ़ी एक अच्छा खासा फीचर आपको प्रॉपर मिल जाता है। इसके अंदर ऑटो फोल्ड वगैरह आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आपको इसके अंदर प्रॉपर दिखाएगा, इनफैक्ट इसके जो सेल्सियस है किस टाइप के गर्म हो रखा है टायर वो भी इसके अंदर प्रॉपर आपको दिखाएगा। बाकी यहाँ AC से रिलेटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं, और अगर आप देखते हैं तो यहाँ AC से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा है। और एक प्रॉपर डैशबोर्ड इसके अंदर बना हुआ आता है। अब इसके पीछे अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा ना तो प्रॉपर इसी के ऊपर वीडियो बन जाएगी, तो थोड़ा सा आपको मैं अलग चीज़ें दिखाता हूँ। ये ऊपर प्रॉपर एक टैबलेट बड़ा सा आपको मिल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है, उतना हैंग वगैरह नहीं करता, लैगी वगैरह उतना नहीं है, तो अच्छा खासा चल जाता है, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ आपको जो है एक
ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि अच्छे खासे साइज का आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखते हैं सॉफ्ट टच प्रॉपर मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग आईआर भी मिल जाता है यहाँ अगर आप देखते हैं तो। यहाँ आपको जो है सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आप सनरूफ ओपन वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको जो है लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, एलईडी बेस्ड लाइटें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, कर्टन वगैरह आप बंद और खोल सकते हैं यहीं से ही। तो अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है कर्टन आगे पीछे हो भी रहा है, तो इस तरीके से जो है मैं इसका कर्टन बंद कर सकता हूँ। कर्टन के लिए अलग बटन दिए हुए हैं जो कि काफ़ी सही है। यहाँ आपको जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है विद एलईडी लाइट, और यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद एलईडी लाइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम बात करते हैं एक बार क्लस्टर की, तो क्लस्टर में क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एवरेज वगैरह आपको इसके अंदर शो करेगा, ड्राइविंग टाइम, रेंज वगैरह, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप बी, और सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है शो करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा खासा फीचर्स आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाते हैं, जिसका कोई ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो इसका है वो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, बटन्स की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखते हैं यहाँ से आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप देखते हैं तो यहाँ से चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाती है, यहाँ से आप चीज़ें जो है देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो काफ़ी सही है। बाकी एम जी पायलट इन द सेंस कि ये जो है हाईवे पे अपने आप ही जो है थोड़ा एडास लेवल 2 इसका चलने लग जाएगा अपने आप ही, वो सारी चीज़ें। बाकी अगर आप देखते हैं एसी वेंट्स इसके पीछे प्रॉपर मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा, यहाँ भी एसी वेंट्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है देखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं आर्मरेस्ट स्पेस की, ये कुछ स्पेस मिल जाता है अंदर, एक 12 वाट का सॉकेट भी आपको मिल जाएगा, फुल्ली सॉफ्ट टच इसके अंदर ऑफर किया गया है, स्लाइडिंग भी आपको जो है प्रॉपर मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार चलते हैं पीछे, पीछे की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा, फुल्ली सॉफ्ट टच मिल जाता है, और यहाँ आपको कुछ वुडन फिनिश मिल जाता है, पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ आपको जो है कुछ जो है स्पीकर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, डोर ओपन कर सकते हैं, कुछ स्पेस यहाँ स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, मोरिस गैरेज का आपको जो है यहाँ इसका फ्लेट मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके की सीटें मिल जाती है, 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको जो है एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। तो फटाफट से बैठते हैं जी इंटीरियर में, आ चुका हूँ जी इंटीरियर में, और इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो लेग रूम वगैरह आपको अच्छा खासा मिल जाता है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और एक खासियत इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो बीच वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी थम्प आपको नहीं मिलेगा, जो प्रॉब्लम आती थी और गाड़ियों में जो थम्प की प्रॉब्लम आती थी वो आपको जो है इसके अंदर सॉल्व मिलती है, और बीच का भी जो पर्सन है वो आराम से इसके अंदर बैठ सकता है, तो इसके अंदर कोई भी थंप वगैरह आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपर आपको जो है एक 7 सीटर मिल जाती है। और डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का आपको प्रॉपर मिल जाएगा, और पैनारोमिक सनरूफ आपको प्रॉपर मिल ही जाती है। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ आपको जो है हैंडरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, पीछे अगर आप देखते हैं 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपको जो है एसी वेंट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट का सॉकेट, नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप बात करते हैं हेडरूम की, तो कुछ इस तरीके का हेडरूम आपको मिल जाता है, जो काफ़ी कमाल का आपको इसके अंदर मिलेगा, और अगर आपकी हाइट 5.7 है तो कुछ इस तरीके का हेडरूम मिलेगा, बाकी अगर आप 6 फीट के भी हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पीछे चलते हैं थर्ड रो में, स्पेस बताता हूँ किस टाइप का आपको स्पेस थर्ड रो में मिल जाता है। भाई अगर हम बात करते हैं थर्ड रो की ना, तो उस हिसाब का स्पेस नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, लेकिन अगर आप अडल्ट है और मेरे जैसे है और हेल्दी भी है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब एक बार आगे वाली जो सीट है ना, ये वाली सीट जो है ये 5.7 के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और 5.7 के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद एक गुमसुम सा एक बच्चा यहाँ बैठा रहता है छोटा सा, तो उतना अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर नहीं मिलेगा, और यहाँ आपको एसी वेंट्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बड़ों के लिए नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं पीछे की। अब चलते हैं जी बूट स्पेस में, बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, और कुछ इस तरीके का आपको जो है यहाँ आपको कीपैड बटन मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से जो है ये इसका जो है टेल गेट ओपन हो जाता है, और कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाएगा। और हेडरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हेडरेस्ट आप जो है इसका नीचे करके जो है इसके हेडरेस्ट को बेसिकली आप जो है अंदर स्पेस, तो
तो जी जब आप पीछे वाली सीट को जो है फोल्ड कर देंगे तो 587 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाएगा, यानी कि 587 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाएगा और अच्छा खासा बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। बट अगर आप इसको ऊपर कर लेते हैं और एक कंफर्टेबल पोजीशन पे कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा स्पेस तब भी ये छोड़ देती है और यहाँ LED बेस्ड आपको जो है बूट लैम्प मिल जाता है। तो अच्छा खासा स्पेस आपको जो है आफ्टर जब आप इसके जो है थर्ड रो को ऑन कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तब भी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा और इसके अंदर आपको कुछ टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। टेल गेट अगर आपको बंद करना हो तो यहाँ आपको स्विच दिया हुआ है और यहाँ से जो है टेल गेट अपने आप ही जो है इसका बंद हो जाएगा। जो भी लाइट्स का सेटअप है आपको जो है प्रॉपर इसके टेल गेट पे ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन अट्रैक्शन की, जो इसका इंजन है MG का टर्बो इंजन मिल जाता है 1.4 लीटर का और इंसुलेशन प्रॉपर आपको मिल जाएगी यहाँ से। प्रॉपर जो है पैक किया हुआ है इंजन को और टर्बो इंजन है तो काफ़ी कमाल की पावर आपको निकाल के देगा। तो एग्जैक्ट फिगर्स की बात कर लेते हैं तो 1451 cc का आपको इंजन इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि 1451 cc का इसके अंदर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। और नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात कर लेते हैं, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की अगर हम बात करते हैं 141 bhp आपको निकाल के देगा। और अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क इसके अंदर आपको मिलेगा 250 Nm का आपको टॉर्क इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल का टॉर्क आपको मिल जाता है। और इसके अंदर आपको मैनुअल ऑप्शन भी मिल जाएगा। करंट वेरिएंट जो है ये CVT वाला है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा। बाकी काफ़ी कमाल का प्रॉपर इंजन आपको मिल जाता है और इंसुलेशन वगैरह आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। माइलेज की बात करते हैं तो कंपनी जो क्लेम करती है 14 km/l की माइलेज क्लेम करती है और ये हाईवेज पे आप जो है अटेन कर सकते हैं इस माइलेज को। अगर आप बात करते हैं सिटी ड्राइव की तो अराउंड 12 से जो है 10-12 जो है ये आपको सिटी में माइलेज निकाल के दे देगी। और अगर आप बात करते हैं हाईवेज पे तो 13 से 14 आपको माइलेज निकाल के दे देगी, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो MG हेक्टर प्लस 7 सीटर है, CVT है, पेट्रोल है, शेवी प्रो है। और ऑन रोड प्राइसिंग की बात करते हैं 26,15,015 रुपीस की आपको ऑन रोड डेली कॉस्ट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप इसके बारे में और जानना चाह रहे हैं और इस गाड़ी को परचेज करना चाह रहे हैं तो नंबर भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली एक अमेजिंग डील उठा सकते हैं। बाकी थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।